हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह गाड़ी मेरे पास है स्टैंडर्ड, और इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स कि साइड स्टैंड पे लगाने के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा झुक जा रही है और गाड़ी वाले भी बहुत परेशान हैं। और कई बार ज़्यादा टेढ़ी खड़ी होने से हमारे कार्बोरेटर से भी पेट्रोल गिरने लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि तो गाड़ी ओवर हो जाती है। और जो साइड स्टैंड से ज़्यादा टेढ़ी हो रही है वो किस कारण से हो रही है, कभी अगर आपके साथ होता है तो आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स, वो भी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये वो गाड़ी है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं साइड स्टैंड लगाने के बाद गाड़ी कितनी झुक रही है और इतनी नहीं झुकनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत से भाई कह रहे होंगे कि इसकी चेसी क्रैक है, चेसी भी कहीं से क्रैक नहीं है फ्रेंड्स। इसकी साइड स्टैंड आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ही बैंड हुआ पड़ा है। और इसके लिए क्या क्या सामान डलेगा वो भी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है तो। गाड़ी को लगा लेते हैं मैन स्टैंड पर, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा मैन स्टैंड लग चुका है और आप देख रहे हैं जो साइड स्टैंड इसका टेढ़ा हो रहा है, ये ब्रैकेट वगैरह हमारा घिस चुका है। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, इतनी जो चाल आ चुकी है इसके कारण जो साइड स्टैंड इस तरीके से ऊपर हो जा रहा है गाड़ी का। और इसके लिए जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर आपके पास गाड़ी BS3 या BS4 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा गाड़ी है, अगर साइड स्टैंड की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी चेसी यहाँ से क्रैक नहीं है, तो आपको ये ब्रैकेट और साइड स्टैंड कौन सा डालना है वो भी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और उसका पार्ट नंबर भी दिखाता हूँ और MRP भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यह है इसका साइड स्टैंड का ब्रैकेट फ्रेंड्स, जिसकी MRP है 670 रुपये, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से यह है इसका साइड स्टैंड जिसकी MRP है 300 रुपये, लेकिन ये पुरानी MRP है फ्रेंड्स। अभी जो नई MRP है 400 रुपये है। और फ्रेंड्स, ये चौंच वाला साइड स्टैंड है, खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये है इसका फ्रेंड्स ब्रैकेट जिसे हम निकाल रहे हैं और कुछ इस तरीके का आता है। यह हैवी वाला ब्रैकेट है, क्लासिक का ओरिजिनल। और जब भी डालें अपनी रॉयल फील्ड बुलेट में, अगर कहीं भी काम कराते हैं आप, तो जेन्युइन पार्ट ही डलवाएं। और कुछ इसी तरीके से यह है साइड स्टैंड फ्रेंड्स। ये चौंच वाला और ये स्टैंड ठोस होता है, इसके मुकाबले ये वाला नीचे से घिस जाता है और ये पोला होता है बीच में से। बाकी इसको पुराने वाले को निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स, ये है इसका पुराने वाला जो गाड़ी के साथ आता है ब्रैकेट लग के, आप देख सकते हैं कितना हल्का है। और जो हम इसमें लगाने वाले हैं ये वाला लगाने वाले हैं, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी इसको फिटिंग कर लेते हैं गाड़ी में, बाकी गाड़ी में फिटिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो गाड़ी हमारी ज़्यादा झुक रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं हुई फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ब्रैकेट वगैरह सब कुछ लग चुका है, साइड स्टैंड वगैरह, और ये पड़ा इसका पुराना सामान। अगर पुराना सामान जब भी लगवाते हैं आप हमेशा ध्यान रखें, स्टैंड डलवा रहे हैं, ब्रैकेट डलवा रहे हैं, तो ये साइड स्टैंड का बोल्ट होता है इसे भी चेक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ये भी हमारा बोल्ट भी कट जाता है, क्योंकि तो एक चीज़ ख़राब होने पर दूसरी चीज़ को भी ख़राब कर देती है फ्रेंड्स। और बाकी साइड स्टैंड लगाने के बाद गाड़ी पे कभी भी ना बैठे, क्योंकि गाड़ी का वेट भी ज़्यादा रहता है और फिर बंदा बैठ जाता है तो लोड पड़ता है, तो ब्रैकेट भी बैंड होने का खतरा बना रहता है। बाकी भाई गाड़ी की वो उतारना स्टैंड से और आपको दिखाते हैं पहले जो झुक रही थी गाड़ी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं हुई। साइड स्टैंड आओ भाई, अब फ्रेंड्स देख सकते हैं आप पहले गाड़ी हमारी कितनी ज्यादा झुक रही थी, अब बिल्कुल ठीक होगी भैया, प्रॉब्लम खत्म। बाकी फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।